पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। एंटी टेरर एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। 20 अगस्त को इमरान खान ने आईजी और एक जज को धमकी दी थी, जिसके बाद इमरान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। देर रात इस्लामाबाद के आईजी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी करने की जानकारी दी गई है। चलिए जानते हैं इमरान खान पर पूरा आरोप क्या है। दरअसल पूर्व पीएम इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर उन्हें नजरबंद भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में शनिवार को भाषण के दौरान पुलिस, जज, पाकिस्तान के चुनाव आयोग और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को धमकाने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि इमरान के भाषण ने पुलिस, जजों और देश में भय और अनिश्चितता फैला दी है। लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों और जजों को डराने, धमकाने और देश में शांति भंग करने के मामले में एंटी टेरर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया है और पार्टी ने इस्लामाबाद कूच का नारा दिया है। वहीं पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। पीटीआई के बड़े नेता परवेज खट्टक ने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। इस बीच इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहराया है। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी संघीय जांच एजेंसी के लगातार समन भेजे जाने के बाद हो सकती है। अवैध फंडिंग मामले में FIA ने इमरान खान को पूछताछ के लिए बुधवार को समन भेजा था, लेकिन इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें दूसरा समन शुक्रवार को भेजा गया। इसके बावजूद भी इमरान खान जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। वहीं से पहले इमरान खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। ये कार्रवाई तब हुई थी जब कुछ इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी। इस्लामाबाद में रैली पर रैली कर रहे भाषणों पर रोक तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है। बता दें कि इमरान ने शनिवार को इस्लामाबाद में एक जनसभा में शीर्ष पुलिस अधिकारियों, महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी थी। उन्होंने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए बर्ताव को लेकर ये धमकी दी थी, जिन्हें राजद्रोह के आरोपों में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।